एकेडमी वेबशाला। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम मैथ्स में नया चैप्टर लेसन नंबर 11 टाइम करेंगे। क्लॉक, क्लॉक क्या होती है? क्या क्लॉक हमें क्या बताती है? टाइम बताती है। और जो फेस ऑफ द क्लॉक होता है उसे हम क्या कहते हैं? डायल कहते हैं। इस डायल में 1 to 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 to 12 नंबर्स मार्क रहते हैं। क्लॉक के टू हैंड्स होते हैं, लॉन्गर हैंड, इसे हम लॉन्गर हैंड कहते हैं, जो कि हमें क्या बताते हैं? मिनट्स बताते हैं, और इसे हम मिनट हैंड भी कहते हैं। और ये होता है शॉर्टर हैंड, जो कि हमें आवर्स बताते हैं, और इसे हम आवर हैंड कहते हैं। अब लुक एट दिस क्लॉक, अब हम इस क्लॉक में देखेंगे कि जो लॉन्गर हैंड है हमारा वो कहाँ शो कर रहा है? 12 पे। और जो शॉर्टर हैंड है आर हैंड वो कहाँ शो कर रहा है हमारा? 3 पे। तो इसका क्या मतलब? इसका मींस है कि अब कितनी बजी है यहाँ पे? 3 o'clock। तो हम 3 o'clock यहाँ पे लिखेंगे, और रिटर्न में हम कैसे लिखेंगे? 3। फिर अब नेक्स्ट, राइट डाउन द टाइम शोन इन द फॉलोइंग क्लॉक्स। अब इसमें हमें करना बताना है टाइम। तो हम देखते हैं जो हमारा लॉन्गर हैंड मिनट हैंड है वो किस पे है? 12 पे। और जो हमारा शॉर्टर हैंड आर हैंड है वो किस पे है? 9 पे। तो यहाँ पे कितनी बजी है? 9 o'clock। और हम रिटर्न में कैसे लिखेंगे? 9। फिर नेक्स्ट है हमें द मिनट हैंड पॉइंट्स टू। अब मिनट हैंड लॉन्गर हैंड किस पे है? वी सी 12 पे। तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। द आवर हैंड शॉर्टर हैंड किस पे है? हम देखेंगे 4 o'clock पे। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। और अब टाइम लिखेंगे, टाइम क्या हुआ? 4 o'clock। और एज रिटर्न में हम कैसे लिखेंगे? 4। रीड द क्लॉक फेस एंड सर्कल द करेक्ट टाइम। अब यहाँ पे आपको एक क्लॉक बनी हुई है और टाइम दिया गया है, और करेक्ट टाइम पे हमें यहाँ पे टाइम्स दिए गए हैं, करेक्ट टाइम पे हमें सर्कल करना है। सी, जो लॉन्गर हैंड है मिनट हैंड वो किस पे? 12 पे। और जो शॉर्टर हैंड आर हैंड है वो किस पे है? 7 पे। तो कितनी बजी है? 7 o'clock। तो हम किस पे सर्कल करेंगे? 7 o'clock पे। ये आप नेक्स्ट होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट, पुट अ राइट फॉर द करेक्ट टाइम एंड अ क्रॉस फॉर रॉन्ग टाइम। अब हमें यहाँ पे क्लॉक पे टाइम दिया गया है और नीचे भी टाइम दिया गया है। अगर करेक्ट है तो हम राइट टिक करेंगे, और अगर रॉन्ग है तो हम क्रॉस करेंगे। सी, अब इस क्लॉक में हम देखते हैं हमारा जो मिनट एंड लॉन्गर हैंड है वो किस पे? 12 पे। और शॉर्टर हैंड आर हैंड किस पे? 8 o'clock। तो दैट मीन्स कितनी बजी है? 8 o'clock। तो यहाँ पे क्या टाइम दिया गया है? 8 o'clock। टाइम सही है, इसलिए हम राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट, इस क्लॉक में हम देखेंगे जो हमारा लॉन्गर हैंड मिनट हैंड है वो किस पे है? 12 पे। और जो शॉर्टर हैंड है वो किस पे है? आर हैंड 9 पे। तो कितनी बजी है यहाँ पे? 9 o'clock। अब यहाँ पे हम टाइम देखेंगे कितना लिखा है? 7 o'clock, मतलब यहाँ पे गलत दिया है, तो वी क्रॉस इट। अब नेक्स्ट आप होमवर्क में करेंगे। फिर नेक्स्ट, राइट डाउन द टाइम शोन इन द फॉलोइंग क्लॉक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे क्लॉक में कितना है? लॉन्गर हैंड जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, और जो शॉर्टर हैंड आर हैंड है वो 6 पे। तो टाइम क्या लिखा है? 6 o'clock, और एज अ रिटर्न 6। अब हम नेक्स्ट क्लॉक देखेंगे, जो हमारा लॉन्गर हैंड है मिनट हैंड वो 12 पे है, और जो शॉर्टर हैंड आर हैंड है वो किस पे? 3 पे। तो कितनी बजी है? डेट मीन्स 3 o'clock। तो यहाँ पे हम 3 o'clock लिखेंगे, और एज अ रिटर्न हम 3 लिखेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे जो हमारा लॉन्गर हैंड है मिनट हैंड वो 12 पे है, और जो शॉर्टर हैंड आर हैंड है वो किस पे है? 4 पे। दैट मीन्स कितनी बजी है? 4 o'clock। तो यहाँ पे हम 4
ओ क्लॉक लिखेंगे और एज अ रिटर्न 4। बाकी आप होमवर्क में करेंगे। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम। अब हमें यहाँ पे जो टाइम दिया गया है उस पर ड्रॉ करना है, हमें मिनट एंड आवर एंड ड्रॉ करने। तो हम सी देखेंगे कितने क्या टाइम दिया गया है हमें, 1 o'clock। तो हमारा जो लॉन्गर हैंड है, मिनट हैंड, हम किस पे ड्रॉ करेंगे, 12 पे, और 1 o'clock दिया गया है। तो हमारा जो शॉर्टर हैंड है आर एंड, वो हम किस पे ड्रॉ करेंगे, 1 पे। तो दैट मीन्स कितनी बजी है, 1 o'clock। नेक्स्ट हमें क्या टाइम दिया गया है, 6 o'clock। तो हमारा जो लॉन्गर हैंड है वो हम ड्रॉ करेंगे मिनट हैंड, 12 पे, और जो हमारा शॉर्टर हैंड है आर हैंड, वो हम ड्रॉ करेंगे 6 पे। दैट मीन्स कितनी बजी है, 6 o'clock। नेक्स्ट आप होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।